क्या आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, या फिर आपके दिमाग में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड को लेके क्वेश्चंस हैं कि किस तरह का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया जाए, म्यूचुअल फंड रिस्की है क्या, म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड में किस तरह के टैक्सेस लगते हैं, या म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त कौन से फंड हाउस का म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया जाए, मेरे किस गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी है तो ये वीडियो सीरीज डेफिनेटली आपके लिए। हम एक म्यूचुअल फंड के ऊपर सीरीज लेके आ रहे हैं और उसका ये पहला वीडियो है। ये पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन डेफिनेटली दबाएं ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए सीरीज का आपको इंटीमेशन मिल जाए। हाय फ्रेंड्स, मैं सोनल जैन, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक एजुकेशनिस्ट। आपने मेरे कई वीडियोज देखे होंगे और मैं अपने हर फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो में ये जरूर कहती हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी प्रेजेंट इनकम को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए जरूरी है इंश्योरेंस। अगर आपने इंश्योरेंस कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में हर कोई यही सोचता है मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक जो कि है डायरेक्टली शेयर्स बाय करना, मतलब इक्विटी बाय करना, या दूसरा तरीका है ये म्यूचुअल फंड का। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, म्यूचुअल फंड में आप एक पूल ऑफ मनी क्रिएट करते हैं। पूल ऑफ मनी का मतलब है आपकी तरह और भी ऐसे कई लोग हैं जो पैसा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डालते हैं। म्यूचुअल फंड एक AMC कंपनी का होता है, मतलब एक कंपनी है जो अपना एक म्यूचुअल फंड तैयार करती है बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन। वो कंडीशंस होती हैं रिलेटेड टू कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करने वाले। इस तरीके से एक म्यूचुअल फंड तैयार होता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले आपके और मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग हैं, जिससे वो एक बड़ा कॉर्पस तैयार करते हैं और उस कॉर्पस को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में या सेम फील्ड के अलग अलग कंपनीज के बीच में इन्वेस्ट करते हैं, या हो सकता है डेट मार्केट में भी वो पैसा डालते हैं। डेट मार्केट मतलब बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। इस तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। अब म्यूचुअल फंड बाय करना है, म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी इस पर्टिकुलर केस में आपका हर मंथ जो भी इन्वेस्टमेंट आप डिसाइड करोगे वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। और दूसरा एक और तरीका होता है लमसम। जी हाँ, लमसम ऑप्शन भी होता है म्यूचुअल फंड में कि आज मुझे कहीं से किसी रीजन से मुझे एक लमसम अमाउंट मिला है, मे बी 10,000, 15,000, 20,000, बट मैं वन टाइम ही करना चाहता हूँ। तो ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहाँ आप लमसम इन्वेस्ट करके रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये हो गए दो तरीके, SIP और म्यूचुअल फंड एक ही है। SIP जस्ट एक मेथड है इन्वेस्टमेंट का। अब एक और चीज जो म्यूचुअल फंड में आती है वो है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ बिकॉज हम एक सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। एक्सपेंस रेशियो का यहाँ मतलब ये है कि जब एक कंपनी बिल्डअप होगी, कंपनीज में एम्प्लॉयज होंगे, और एम्प्लॉयज भी कैसे, CA, CFA, MBAs, जो कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है इसका एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, और फिर वो आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट स्टॉक्स चुनते हैं इन्वेस्ट करने के। तो ऐसे लोगों को सैलरीज भी देनी है, पूरा काम टेक्नोलॉजी पे चलता है तो एक्सपेंसेस तो होंगे, एंड ये सारे एक्सपेंसेस एक इंसान से तो नहीं लिए जा सकते, सो दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल बिट्स एंड पीसेस अमंग ऑल द इन्वेस्टर्स। तो हमें एक एक्सपेंस रेशियो है जो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट में से हमें देना पड़ता है, इसके ऊपर हमें रिटर्न नहीं मिलता। और एक और होता है एग्जिट लोड। अगर आप एक साल या एक साल से ज्यादा भी रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड में आपको पैसे निकालने के लिए छोटी सी फीस चार्ज होती है, तो वो फीस एग्जिट लोड कहलाती है। ये बात हुई कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से इन शॉर्ट काम करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। मेजरली तीन टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड, और तीसरा होता है इन दोनों का मिक्सचर, दैट इज बैलेंस्ड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। पहले वाला जैसे मैंने बताया, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है इसमें नाम से क्लियर है, मेजर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स को बाय करने के लिए यूज किया जाएगा। 72-75-80% वो आपका प्रॉपर शेयर मार्केट मतलब कंपनीज के स्टॉक्स बाय किए जाएंगे। तो यह है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, पर कुछ जो मेजर हैं वो है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप से जहां वो लोग टॉप 100 कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे,
मिड कैप 100 से 200 के कैपिटल जिनका है उनमें इन्वेस्ट करेंगे एंड 200 और 250 से बिलो जो है स्मॉल कैप। ऐसे ही एक फंड का नाम है, मतलब एक टाइप है, दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं। और उसका एक रीजन ये है कि ये ELSS funds are tax free। जी हाँ, ये ATC के अंदर आते हैं, जहाँ पे आप 1.5 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना उसके ऊपर कोई टैक्स पे। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो टैक्स फ्री होगा। इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन इसके साथ एडेड है कि ELSS funds मिनिमम तीन साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। लॉक इन पीरियड से यहाँ मतलब है कि आपने आज अगर पैसा डाला है तो 3 साल से पहले आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली 3 साल उसमें पैसा डालें। आपने आज डाला या 2 महीने 6 महीने तक डाला, उसके बाद आप और पैसे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ELSS से आप निकाल नहीं सकते, बट यू कैन लेट इट रिमेन और 3 साल होने पर आप वो पैसे रिडीम कर सकते हैं। मतलब यू कैन सेल योर म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिटर्न ज्यादा देता है, इक्वली यहाँ रिस्क भी ज्यादा है। सेकेंड है जो मैंने आपको कहा, दैट इज डेट म्यूचुअल। डेट म्यूचुअल फंड्स हम इन्वेस्टमेंट, मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, PMC कंपनी है, वो आपका पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाले, जैसे कि FDs हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को पैसा डाले। यहाँ पे आपका रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है। जी हाँ, बस यहाँ रिटर्न कम है एंड यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब ना तो मैं ज्यादा रिस्क लेना चाहती हूँ ना ही बहुत ज्यादा कम, तो इसीलिए बने बैलेंस्ड फंड्स, जहाँ पे आपको इक्विटी और डेट दोनों ही बैलेंस स्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते। अब एक चीज जो बहुत लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स है तो हम क्या, व्हाट डू वी गेट इन आवर हैंड्स। म्यूचुअल फंड्स जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हो तो आपको क्या मिलता है, नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे ही जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो तो एक्चुअली में आप जो बाय कर रहे हो दैट इज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइड होता है उस यूनिट की पर यूनिट वैल्यू से। इस पर यूनिट वैल्यू को कहा जाता है NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। इस नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पे आपको नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट होते हैं। जैसे जैसे नेट एसेट वैल्यू बढ़ता है या घटता है आपके नंबर ऑफ यूनिट्स वेरी करते हैं। इन्वेस्ट करते हो अगर NAV कम है और आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिल सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके टैक्स इम्प्लिकेशंस के बारे में और एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है। मेरा नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। वेट फॉर दैट।